ये जो तार लगा हुआ है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर है। बांग्लादेश को तितोलिया सब डिवीजन है, यहाँ पे जो लोग रहता है। खाना खाको वहाँ खाया ना? ओह, और ये है ट्रेजरी यहाँ का, और ये है एंट्री गेट और एग्जिट गेट उस साइड से है, और ये डीएम ऑफिस है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग ना काफ़ी लेट से आ रही है, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है मेरा कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ब्लॉग हफ्ता में एक या दो डालने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं ना आज दूसरे जगह में वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो वही जगह है, लेक टाउन ही है, लेकिन मैं पहले उस साइड से इधर मुँह करके बैठता था यहाँ से हाफ किलोमीटर आगे, और मुझे अभी यहाँ पर जगह मिला तो मैं यहाँ पर ही गाड़ी पार करके बैठा हूँ। तो मैं आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर हम साइट गए तो इससे पहले ब्लॉग में भी आप लोग दिखाई था साइट जाते हैं तो कैसा होता है, और आने वाले दिन में भी मैं आप लोगों को बहुत ऐसा जगह है, पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ता है, तो और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, तो वो भी मैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग में आने वाले दिन में दिखाता रहूँगा। अगर हम आज ऑफिस गए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि पूरा दिन हम कैसा बिताते हैं और क्या क्या करते हैं, और वो सब मैं आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो सीधा मिलते हैं जलपाईगुड़ी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है, जैसा कभी ऑफिस जाता हूँ कभी साइट जाना पड़ता है, इसीलिए हम इधर में साइट आया है गाडरा, गाडरा से थोड़ा इधर है दाहुक, गाडरा के सामने ही है, दाहुक बोलता है इस मेन जगह को, और यहाँ से थोड़ा आगे में बांग्लादेश बॉर्डर है, लेकिन आगे जाने से फोटो शूट करना नहीं देगा। और ये जो दादा हमारा सब डिवीजन का ड्राइवर, और हम चलाते हैं डिवीजन का गाड़ी, बस हमारा ड्यूटी ऐसे रहता है, कभी साइड जाते हैं कभी इस जाते हैं, कभी ऑफिस का काम होता है तो इधर उधर जाता रहना पड़ता है। तो आज दिन भर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम बांग्लादेश का बॉर्डर तक गए थे, जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग BSF का जवान जो थे उनसे पूछा, लेकिन वहाँ पिक्चर वीडियो शूट कोई भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम वापस आ गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जो तार लगा हुआ है यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर है, और वहाँ पे इसके बगल में चा बागान है, वो इंडिया का है, लेकिन जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब बांग्लादेशी है, और जो जहाँ पे हमारा गाड़ी रखा हुआ है वो उधर सामने है। और यहाँ पे पूरा बॉर्डर का लाइन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बने थे अभी बांग्लादेश का? पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश को तितोलिया सब डिवीजन है, यहाँ पे जो लोग रहता है बांग्लादेश का वो पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट और तितोलिया सब डिवीजन का लोग वहाँ तक है। और हमें अभी इंडिया का ही और वेस्ट बंगाल का और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का राजगंज ब्लॉक में है। गाड़ी में आ चुके हैं, क्योंकि अभी जाने का टाइम होने वाला है, तो वहाँ पे और भी लोग आए थे इसलिए सीधा गाड़ी में आ गए। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये इनोवा आया हुआ है सिलगुड़ी से, और एक और गाड़ी यहाँ पे आया हुआ है जलपाईगुड़ी से, और यहाँ पे हमने चाय पिया, ये साइड का कैंप है, और कैंप इसमें किचन है, और इधर में कैंप है, यहाँ के लेबर लोग रहते हैं, और ये सब बजरी लेके आया हुआ है, और ये सीमेंट ब्रिज ढलाई होने के लिए अभी बजरी वगैरह ये सब ला रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं वो आप फिर आगे देखते हैं। अभी मैं जल
जलपाईगुड़ी पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम देखा तो 2:11 2:05 तो यहाँ पे ना 2 बजे के बाद दुकान वगैरह सब बंद होता है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे टिफिन करता हूँ दुकान भी 2 बजे बंद होता है। तो मैं अभी फटाफट से गाड़ी रख के निकल रहा हूँ कि वहाँ जाके कुछ खा लेते टिफिन, फिर 5 बजे के बाद ही दुकान खुलता है यहाँ पे। इसलिए अभी 2:05 हो रहा था तो फटाफट जाके कुछ खा लेंगे, इसलिए मैं निकल गया। यहाँ पे जो और ये आगे में मेन रोड है और इसके राइट साइड में दुकान है। 2:05 ही हो रहा है, इतना जल्दी दुकान भी बंद कर दिया। 2:06 हुआ अभी, तो दुकान तो बंद था। अभी देखते हैं, ऑफिस के सामने ही एक पीछे में ही एक चाय का दुकान है, वहाँ जाके कुछ चाय बिस्किट कुछ खा लेंगे, फिर बाद में देखते हैं शाम के टाइम में मोमो वगैरह अगर कुछ मिलता है तो फिर खा लेंगे। चाय पी के आ गया और थोड़ा सा काम है, जैसा कि हम लोगों का कितना और कौन सा दिन में कितना किलोमीटर चला बोल के हमें लॉग बुक में एक एंट्री करना होता है। और पहले तो हम पूरा महीने का हम रफ कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद से फिर हम एंड में अपना ऑफिस में जो लॉग बुक होता है गाड़ी का उसमें फिर एंट्री कराते हैं यहाँ के ऑफिस के स्टाफ को दे के। तो अभी मेरा ये काम है, फिर ये करने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हो रहा है टाइम 3:54, तो अभी टाइम 3:54 हो रहा है और अभी मैं ट्रेजरी डीएम ऑफिस में आया हूँ, इसको डीएम ऑफिस बोलता है। और ये है ट्रेजरी यहाँ का, और ये है एंट्री गेट और एग्जिट गेट उस साइड से है, और ये डीएम ऑफिस है और यहाँ पे आरटीओ है। आरटीओ का जितना भी लाइसेंस वगैरह गाड़ी का काम वगैरह उस बिल्डिंग में होता है। यहाँ पे पार्क है और टेस्ट ड्राइव वगैरह यहाँ पे देता है। तो चलो अभी अंकल भी आ गए तो निकलते हैं यहाँ से। डीएम ऑफिस से निकल रहे हैं और ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगता है, नज़दीकी है। अभी जो एंट्री करने का काम कर ही रहा था फिर अचानक से बोल के वहां गया था ना डीएम ऑफिस। अभी थोड़ा सा रह गया है, 4-5 दिन का लिखना है, फिर मैं वो लिखने अभी जाऊंगा। तो अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वो एंट्री करके आऊंगा फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी जहाँ पे एंट्री करने गया था वो भैया भी नहीं है, कुछ काम से इधर उधर गए होंगे। तो अभी कोई भी नहीं है, तो मैं सोचा थोड़ा गाड़ी को थोड़ा पानी मार के साफ कर लेता हूँ, धूल जितना भी हुआ था वो सब हट जाएगा, थोड़ा क्लीन रहेगा, टाइम पास भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ही धो लेता हूँ गाड़ी, हमेशा मैं यहाँ पे धोता हूँ, यहाँ पे ऐसा करके लगा के, यहाँ साइड में नलका है। यहाँ पे है मेरा पाइप, लगा लेते हैं। क्योंकि मैं हफ्ते में 3-4 बार धोता हूँ, ऐसा पानी से हमेशा धोता ही रहता हूँ, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं शैम्पू से धोता हूँ। तो साइड में गया था थोड़ा धूल मिट्टी हो गया था, इसलिए मैं पानी मार के थोड़ा साफ किया। अभी थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद मेरा अभी तो जो एंट्री करना था वो भैया आ गया है, बुला रहा था। तो एंट्री करने आने के बाद फिर मैं इसको मोस लूँगा, और जो दोस्त लोग भी आए हुए हैं उनका गाड़ी पीछे में
देख रहा होगा फॉर्चुनर, वो आया था, मैं देखा था, तो उनसे उन लोगों से फिर बात बात करते हैं। देखिए वो लोग फिर कभी कभी 10-15 मिनट में निकल जाता है ऐसे। ये सब डिवीजन गाड़ी वहाँ पे था, आया हुआ है। खाना खाको वहाँ खाया ना? ओहो भीतर बसर खानो नहीं अंदर। गौतम दा आज के अपनी ये वीडियो ते आस पेन अपने देखबे ना। আজকে আসবে না, কাল কাল না হলে পরশু দিন আসবে। তো চলো চাহাই ওইখানে চলো যাই। অভি আম যা রা চাই পিনে কে লিয়ে জো দোকান মে গয়া থা মে দিন মে টিফিন করনে কে লিয়ে ও দোকান বন্ধ থা অভি শায়দ ইস টাইম খুল গয়া হোগা। তো অভি হাম যা রে মে অর দাদা যা রে তো দো জন যায়েঙ্গে ওয়াহ পে চাই চুই পিয়েঙ্গে। फिर और कोई आएगा तो फिर उनके साथ भी फिर आना पड़ेगा। कभी कभी दिन में 4-5 बार ऐसा चाय पीते हैं। अभी जब आया था डीएम ऑफिस से तो इस साइड से आया था और इनका नाम तो गौतम है, गौतम देव। ऑफिस के आगे का रोड कुछ इस तरीके का, ये मेन रोड है और हम चाय वहाँ पे पीते थे। वो दुकान अभी भी खुला नहीं है, बंद है। और इस साइड में हम अभी देख रहे हैं आगे होगा चाय दुकान, वैसे 2-3 है लेकिन वो अंकल काफ़ी अच्छा बनाता है चाय। उनका चाय पीने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे थोड़ा उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये मास्क का दुकान। हाँ अगर आप लोगों ने मास्क नहीं पहनता है तो बाहर निकलते समय ज़रूर मास्क पहन लीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। ये मोमो दुकान है, बाइक का रिपेयरिंग का दुकान है। हम वहाँ से चाय चुई पी के आए थे और आने के बाद फिर मेरा जो एंट्री करना था वो एंट्री कर लिए। अभी थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद अभी मेरे को थोड़ा काम करना है। इसे गाड़ी धोया था, इसको थोड़ा मोसना है। अभी देख सकते हैं पूरा अंधकार हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 5:14। अभी टाइम 5:14 हो चुका है, जैसा आप लोगों ने पता देख लिया, मैं दिखाया था और वहाँ पे अंधकार था इसलिए मेरा शक्ल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैं अपना वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।